राजस्थान के करौली जिले में 1000 बच्चे ऐसे थे जो स्कूल नहीं जाते थे। उन बच्चों को देखकर मेरे दिल में ख्याल आया और जून 2010 में एक वीडियो बनाया। और कितनी साल है तुम्हारी, तुम्हारी उम्र कितनी है? 9 साल। तुम पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पहली में। पहली में पढ़ते हो? तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है या काम करना अच्छा लगता है? पढ़ना। काम करना अच्छा नहीं लगता अपने पापा को? लगता है। क्यों नहीं लगता है? ऐसे धंधा है नहीं। अब शुरू से अब तक क्या करते थे आप? स्कूल में खिला रहे थे, डोल रहे थे। डोल के फिर क्या करते थे वहाँ? कुछ मांग के लाते थे आप? ऐसे मांग के खा ले। गाड़िया लोहारों का कहना है कि हमारा जीवन तो गाड़ी और जंगल का रहना है, लेकिन हम हमारे बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, पर क्या करें, विद्यालय में पूर्ण शिक्षा नहीं मिलने के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है। यह वीडियो जमशेदपुर की भविष्य नाम की संस्था ने नेट पर देखा और करौली आकर उन्होंने वास्तविक स्थिति को जाना। उनमें से 9 बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया। मैं करौली गई थी, वहाँ पे मैं रुकी थी 3-4 दिन और तब मुझे पता नहीं था कि कहाँ से शुरुआत होगी। तब अरुण जिंदल जी और सुनीता जी, मतलब आप लोग ही थे मेरे साथ उस समय, और हम गए थे वहाँ हरिजन बस्ती और भी बहुत सारे जगह बच्चों को देखने, और बंजारे बच्चों के 2 केसेस मिले तो उनका एडमिशन उसी दिन कराया। अभी आपकी व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं? अभी 9 बच्चे हैं, 3 बच्चों को RTE के अंडर कवर कर लिया है और बाकी जो 6 बच्चे हैं उनके स्पॉन्सर्स के थ्रू हम फंडिंग कर रहे हैं। हमने इन बच्चों को और अच्छा करने के लिए इनको एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधा करी है। टीचरों के द्वारा इन पर विशेष तौर पर फोकस किया जाता है जिससे कि ये और अच्छा कर सकें, क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे परिवारों के जो पेरेंट्स हैं वो लोग बच्चों को देख लेते हैं, इनके देखने वाला कोई नहीं है। तो हमारा ध्यान इस ओर है कि अच्छे से अच्छा कर सकें। इस बार जो रिजल्ट भी आए हैं, लाइक 90% रिजल्ट फर्स्ट डिविजन है और वो जमशेदपुर रिजल्ट से काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से। इसी तरह के बच्चों के लिए सहायता मिलती रहे तो हमारे भारत में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।